हे गाइस वेलकम टू टेकेडोरा आई एम निवेदिता एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व मैच स्टिक्स टू स्क्वायर सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन क्या है यहाँ पे आपको एक एरे दे रखा है मैच स्टिक्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है जिस इसमें जो एलिमेंट्स है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मैच स्टिक्स के लेंथ को ओके okay? और आपको करना क्या है सारे मैच स्टिक्स का यूज करके एक स्क्वायर बनाना है और बनाने स्क्वायर बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्टिक को आपको ब्रेक नहीं करना है ठीक है अगर आप एक स्टिक को यूज़ कर लिए हो तो दोबारा उसको यूज़ नहीं करना है एंड एक साइड को फॉर्म करने के लिए आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो मैच स्टिक्स ठीक है तो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट एग्जांपल में आपको क्या दे रखा है ना एक एरे दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स क्या है वन वन टू टू यानी वन लेंथ का एंड टू लेंथ का आपका मैच स्टिक्स है टोटल कितने फाइव हैं ओके तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो स्क्वायर बना सकते हो या नहीं ये आपको रिटर्न करना है अगर बना सकते हो तो रिटर्न टू करना है अदरवाइज़ फॉल्स करना है तो यहाँ पे हम बना सकते हैं टू लेंथ का स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे देखो ये टू टु, टू टू थ्री साइड आपका टू का हो गया अब यहाँ पे बचा आपका वन वन तो वन वन को ऐड करके हम टू लेंथ का एक साइड बना लिए यहाँ पे तो ये बना सकते हैं इसलिए हम रिटर्न क्या करेंगे ट्रू करेंगे अब आते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं ठीक है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देख सक देखेंगे देखो यहाँ पे ना जो हमारा सॉल्यूशन होने वाला है वो बैक ट्रैकिंग डीएफएस पे बेस्ड होने वाला है ओके तो यहाँ पे हम करेंगे क्या पहले तो देखो पहले तो देखो वो तो अप्रोच आप देखोगे ही पहले तो ये देखोगे क्या जो डायमेंशन आपका दे रखा है जो आपका लेंथ दे रखा है मैजिस्टिक्स क्या उससे पॉसिबल है क्या बन सकता है क्या पहले तो वो कैसे चेक करेंगे पहले इसका क्या करेंगे सम फाइंड कर लेंगे सम फाइंड करके हम क्या करेंगे मान लेते हैं वो पैरामीटर ही एक तरह से इसको हम क्या करेंगे फोर मॉडल कंप्यूटर का यूज़ करेंगे फोर देखेंगे जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर जीरो आ रहा है तो तब हम आगे चेक करेंगे बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं ठीक है अगर यहीं पे आपको जीरो नहीं आएगा डैट मीन्स हम आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे नहीं यहीं पे हमारा हो गया कि यहाँ से हम बना ही नहीं सकते क्योंकि अगर देखो फोर साइड है आपका इक्वली आप अगर डिवाइड ही नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या बनाओगे राइट right? तो अगर ये पहला तो चेक कर लोगे अगर ये आपको पॉसिबल हो गया यहाँ पे ज़ीरो हो गया है तो आगे हम चेक करेंगे कि इससे बना सकते हैं या नहीं बना सकते ठीक है तो फर्स्ट कंडीशन हमारा यही रहेगा उसके बाद हम साइड देखेंगे कितने साइड का हम बना सकते हैं तो साइड आप कहाँ से फाइंड करोगे तो ये पी है इसको डिवाइड कर दोगे फोर से जो आपको मिलेगा वो आपका साइड होगा कि इस साइड का आप बना सकते हो ठीक है सारे मैजिस्टिक का यूज़ करके आप इस साइड को साइड का यूज़ करके बना सकते हो ठीक है अब आते हैं हमारे अप्रोच पे ओके okay? अब अप्रोच पे हमारा क्या रहेगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे इसमें क्या होगा हमारा यहाँ पे डिवाइड करोगे आप एट बाई फोर बनेगा यहाँ पे टू मिलेगा आपको ठीक है तो टू मिलेगा यहाँ पे आपको जीरो मिलेगा यानी बना सकते हैं आप कैसे बना सकते हैं वो हम देखेंगे बन सकता है या नहीं इसका यूज़ करके तो हम पहले क्या करेंगे ना देख लेंगे चार साइड आपका बनाना है स्क्वायर में तो ये चार साइड आपका है ठीक है अब हम क्या करने वाले हैं हमारा जो अप्रोच होने वाला है वो हम देखेंगे क्या इस साइड को बनाने में इस मैचस्टिक का यूज कर सकते हैं क्या इसका कर सकते हैं इसका कर सकते हैं इसका कर सकते हैं इसका कर सकते हैं तो ये चार साइड को बनाने में हम मैचस्टिक का यूज़ करेंगे अब देखेंगे सारा अगर मैचस्टिक हमारा यूज़ हो जाएगा और सारा साइड हमारा बन जाएगा तो हम समझ जाएंगे हमारा ये पॉसिबल है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे डन ट्रू कर देंगे इसके लिए हम क्या करेंगे देखो इसके लिए हम पहले ना इसको सॉर्ट कर लेंगे अब सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों करेंगे वो भी हम देखेंगे यहाँ पे टू 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 वन वन मिलेगा आपको शॉर्ट करने पे देखो हो सकता है कि इसमें आपको थ्री भी रहे ठीक है और आपका पॉसिबल क्या है आपका टू है ठीक है टू साइड तो थ्री क्या आप यूज़ कर सकते हो क्या मैथस्टिक्स अगर थ्री लेंथ है तो क्या आप यूज कर सकते हो क्या तो पहले ही हम मैक्सिमम लेंथ देख लेंगे कि ये इससे ग्रेटर है तो ये हम मैथिस्टिक का यूज कर ही नहीं सकते हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉसिबल नहीं है हम इनिशियली में ही चेक कर लेंगे ताकि हमें आगे चेक करने की जरूरत ना पड़े ठीक है तो अवॉइड हम अवॉइड करें ठीक है इससे क्या होगा हमारा सोल्यूशन फास्ट होगा इसलिए हम क्या करेंगे यहां पे इसको so, ये आपका साइड तो क्या कर देंगे हमारा क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा यानी पहले में हम यूज कर चुके हैं ये जीरो बन गया है देखो अगर सारा जीरो हो जाएगा दैट मीन्स क्या होगा कि हमारा स्क्वायर बन चुका है है ना ये चारों अगर डायमेंसन आपका जो है साइड का ज़ीरो हो जाएगा दैट मीन्स क्या होगा आपका ये मतलब होगा उसका कि आप सारे यूज़ कर चुके हो यहाँ पे यूज़ करके आप बना लिए हो ठीक है अब और ये सारा ख़त्म हो जाए और आपका ये चारों जीरो हो जाए उस कंडीशन में क्या होने वाला है कि आप एक स्क्वायर बना चुके हैं उसका मतलब ये होगा तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हम इस मेजेस्टिक का यूज़ फर्स्ट एंड इसमें इस यूज़ कर लिए ठीक है इसको यूज कर लिया अब इस एलिमेंट को हम देखेंगे इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे ठीक है तो अब इसको आगे बढ़ते हैं इसको बाद में देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो अब ये तो ये यूज हो चुका है ठीक है तो अब इसमें तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये लेस देन है तो हम कहाँ कर सकते हैं ये तीन में पॉसिबल है हमारा यहाँ पे यहाँ पे कितना पॉसिबल है तीन पॉसिबिलिटीज है तीन है ठीक है फोर नहीं तीन है इसका यूज हम इन तीनों के साथ कर सकते हैं राइट इन तीनों के साथ कर सकते हैं तो मान लेते हैं हम इसके साथ कर लिए ठीक है इसके साथ कर लिए जीरो जीरो फिर आपका टू फिर आपका टू ओके ये हो गया तो इसका भी यूज़ कर लिए या तो आप इसके लिए कर सकते थे इसके लिए कर सकते वो बाद में देखेंगे इस हम इसी से आगे बढ़ते हैं फिर इसके लिए हम देखते हैं इसका हम यूज़ करेंगे तो इन दोनों के लिए तो आप कर नहीं सकते यहाँ पे आपका दो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप यहाँ पे दो लिए यूज़ या तो इसके लिए यूज कर सकते हो या तो इसके लिए यूज कर सकते राइट तो मान लेते हैं इसके लिए हम यूज कर लिए तो ये हमारा तीन क्या होगा आपका जीरो हो 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 जाएगा 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 ये ये क्या तीन आपका ज़ीरो और अब दो बचा अब यहां है अब वन वन है है तो तो अब देखो यहां पे इन तीनों के लिए तो यूज कर नहीं सकते इसी के लिए करेंगे एक ही पॉसिबिलिटीज है तो हम फिर इसके लिए यूज कर लेते हैं तो यहां पे क्या होगा आपका जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन क्योंकि आप वन यूज़ किए हो सिर्फ अब ये बचा है अब बताओ इसके लिए आप क्या करोगे इसी के लिए यूज़ करोगे एक ही पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे यूज़ करने की तो आप देखोगे ज़ीरो 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 अब देख रहे हो कि सारा एलिमेंट इसका खत्म हो चुका है राइट और हम यहाँ आ रहे हैं एस वन भी जीरो हो गया एस टू भी जीरो हो गया एस थ्री भी जीरो हो गया एस फोर भी जीरो हो गया अब यहाँ पर हम देखेंगे देखो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव है ना ब्रांच और यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव है आपका टोटल फाइव है एंड एस वन एस टू एस थ्री एस फोर भी आपका है जीरो है तो यहाँ पे जो हमारा बेस कंडीशन बनेगा ना ये बनेगा कि हम सपोज यहाँ आई यहाँ से चल रहे हैं आई वन टू थ्री फोर फाइव मतलब जीरो से लेंगे जीरो वन जीरो वन टू थ्री फोर ठीक है आई हमारा फोर तक आ चुका है एंड यानी लेस देन मतलब ये जो है आपका जीरो वन टू थ्री फोर आई अगर आपका फोर हो जाए जाये, हो जाएगा यानी जो लेंथ है आपका उसके इक्वल एक तरह से इंडेक्स बोला जाए एंड एस वन एस टू एस थ्री एस फोर जीरो हो जाएगा डैट मीन्स हम सारे का यूज़ कर लिए हैं सारे एलिमेंट का यूज़ कर लिए और हमारा जो साइड है सारा एग्जॉस्ट हो चुका है तो उस कंडीशन में हम क्या करें डन ट्रू करेंगे ठीक है अगर आपका आई यानी लास्ट एलिमेंट तक आप आ गए उसके और ये एस वन एस टू एस थ्री में कोई एक भी जीरो नहीं रहा कुछ बच गया डेट मीन सारे आपका एडजस्ट नहीं हो पाया तो उस कंडीशन में क्या होता है फॉल्स होगा ठीक है तो ये आपका वन पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे आप मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकता है यहाँ पे दो हो सकता था इसको आप करके देख लो ठीक है तो मैं कोड के थ्रू आपको इसको अच्छे से समझा देती हूँ देखो अब बैक ट्रैकिंग करेंगे जो हम किस केस में देखो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग जब करोगे यहाँ पे वन माइनस कर रहे हो आप तो वापस जाओगे तो इसको वन ऐड कर दोगे टू बन जाएगा तो वापस ये वन हो जाएगा ज़ीरो से यहाँ पे ऐड करोगे वन हो जाएगा फिर वन से ऐड करोगे वो टू हो जाएगा ठीक है टू से वापस ऐड करोगे यहाँ पे ये टू ऐड करोगे यहाँ पे टू हो जाएगा तो फिर इसके लिए एक यहाँ पे अलग से देखने के लिए आपको फिर से आप इसके लिए एक दूसरी पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो तो बैक ट्रैकिंग में हम ऐसे करने वाले हैं जो हम चेंजेस कर रहे थे इसमें जो माइनस कर रहे थे जो जो हम एलिमेंट यूज करके माइनस कर रहे थे फिर इसे वापस जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो हम क्या करेंगे उसी आ, प्लस करते चले जाएंगे ठीक है अब आते हैं हम कोड वाले पार्ट पे कोड को समझते हैं अच्छे से ठीक है देखो कोड में हमें क्या करना है यहाँ पे सबसे पहला तो हम देख लेंगे मैजेस्टिक का साइज आपका लेस देन फोर है क्या अगर फोर से लेस देन होगा तो फॉल्स उसी टाइम कर लेंगे फिर हम पेराीटर फाइन कर लेते हैं एक तरह से तो पैरामीटर क्या होगा मैजिस्टिक का जितना भी लेंथ है ना सबको ऐड कर लो पहले तो फिर चेक कर लो मॉडल सर्प्रेटर के थ्रू कि नॉट इक्वल टू जीरो अगर होता है तो उसी टाइम हम क्या करेंगे इंटर्न फॉल्स कर देंगे फिर हम क्या करेंगे साइड फाइंड कर लेंगे साइड फाइंड कर लिया पी वाई फोर ठीक है पी वाई फोर फाइन कर लिया अब हम क्या करेंगे इसको सॉर्ट कर लेंगे मैंने अब बताया आपको सॉर्ट क्यों कर रहे हैं ताकि हमें शुरू में ही चेक कर लें कि कोई मैजेस्टिक ऐसा तो नहीं है कि जो साइड से लेंथ से ज़्यादा है अगर ज़्यादा है तो वो पॉसिबल ही नहीं है तो उसी टाइम इंटरन फॉल्स कर देंगे बार बार हमें चेक आगे क्यों चेक कर आगे आगे केस के लिए हम क्यों चेक करें राइट आगे जो एलिमेंट्स है उसके लिए क्यों चेक कर रहे हैं पहले ही हम चेक कर लेंगे इसलिए हम क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे एक इज स्क्वायर हमारा है ये अगर रिटर्न ट्रू करेगा तो रिटर्न ट्रू होगा अदरवाइज फॉल्स होगा तो इस फंक्शन को हम देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है ये जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है ये आपका जीरो इंडेक्स है ये चारों साइड है आपका एस वन एस टू एस थ्री एस फोर जो कि साइड हमने यहाँ से फाइंड किया है और मैथस्टिक्स जो है हमारा ये ये है ये है ठीक है अब हम आते हैं इस 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 फंक्शन को हम देखते हैं इस फंक्शन में हमने यहाँ पे देखो क्या रखा है पहले तो देखा आई जो है इंट आई हमने ले रखा है जीरो से स्टार्ट किया है एस वन एस टू एस थ्री एस फोर है फिर हमारे मैजस्टिक से राइट इस फंक्शन में आई जीरो से स्टार्ट होगा देखो अगर आई आपका मैजस्टिक के साइज़ के इक्वल हो जाएगा ठीक है इसके इक्वल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे क्या एस वन जीरो है एस टू जीरो है एस थ्री जीरो है एस फोर है जीरो है अगर तीनों जीरो है ट मीन्स वो आपका क्या हुआ एक स्क्वायर बना रहा है ठीक है तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे अदरवाइज फॉल्स करेंगे ओके अब आते हैं हम यहाँ पे मैजिस्टिक्स आई हम यूज करने वाले हैं एस वन के लिए सपोज हम एस वन में करने पॉसिबिलिटी आपका क्या है फोर है ठीक है एस वन के लिए देखेंगे एस टू के लिए देखेंगे एस थ्री के लिए देखेंगे एस फोर के लिए देखेंगे हम एस वन के लिए देख रहे हैं तो एस वन के लिए हम देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे पहले देख लेंगे एस वन से लेस देन इक्वल्स टू है क्या अगर है तभी हम कर सकते हैं तो माइनस कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे एज स्क्वायर आई प्लस वन हम आगे एलिमेंट एक एलिमेंट हम यूज कर चुके हैं एक मैचस्टिक्स यूज कर चुके हैं तो आई प्लस वन कर लेंगे फिर एस वन एस टू एस थ्री एस फोर मैचस्टिक्स अगर ये आपका रिटर्न ट्रू करेगा तो ये देखो बार बार ये करेगा अगले एलिमेंट को करेगा ठीक है तो इसके लिए चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है ठीक है फिर अगले के लिए करेगा तो ये आपका क्या है डी एफ एस यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो इसमें से अगर कहीं पर रिटर्न ट्रू करेगा तो ये रिटर्न ट्रू होगा अदरवाइज हम क्या करेंगे बैक ट्रैक करेंगे एस वन प्लस मैचेस्टिक्स आई कर देंगे ठीक है जो हम यहाँ पे कर रहे थे बैक ट्रैकिंग के टाइम हम क्या करेंगे हम माइनस कर रहे थे ना फिर बैक ट्रैकिंग के टाइम हम क्या करेंगे जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो जो चेंजेस हम कर रहे थे उसको हम वापस से हम ऐड कर देंगे वो हम क्यों कर रहे हैं ताकि यहाँ पे देखो कितने पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज़ है तो हम एक पॉसिबिलिटी तो देख चुके हैं वापस से हमें इसके लिए देखना होगा तो हम जो चेंजेस किए वापस से तो कर दे रहा होगा ना उसको चेंजेस जो हमने कर रखा है माइनस यहाँ पे कर रखा है तो देखो एक पॉसिबिलिटी आपने यहाँ पे देखा तो अगले दो पॉस्पिटिव आप कैसे देखोगे इसी वैल्यू से देखोगे ना तो ये वैल्यू फिर से आपको कैसे मिलेगा वापस जो भी चेंजेस किए हो फिर से वापस ऐड कर दो उसमें माइनस किए थे इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे ठीक है सेम हम एस टू के लिए भी देखेंगे सेम हम एस थ्री के लिए भी देखेंगे सेम हम एस फोर के लिए भी देखेंगे और ये कंडीशन कहीं पे भी अगर ट्रू हो गया होगा तो टर्न तो ट्रू करेगा अदरवाइज आपका क्या होगा फॉल्स होगा तो ये फंक्शन आपको ट्रू या फॉल्स टर्न करके दे रहा है यहां पे हम चेक कर लेंगे अगर रिटर्न ट्रू कर है हैं रिटर्न ट्रू करेंगे अदरवाइज फॉल्स करेंगे अब कोड को हम क्या करते हैं रन कर लेते हैं रन हो चुका है सबमिट कर लेते हैं कोड को यहाँ पर सबमिट हो चुका है थैंक यू